देखो जमाने पहले इस चीज को मैंने डंके की चोट पे कहा था कि पठानिया मूवी बस एक छोटा सा सैंपल नमूना है, क्योंकि असली मासी क्लासी एटम बम शाहरुख खान की रियल पैन इंडिया मूवी जवान का ब्लास्ट होना अभी बाकी है, जिसका स्पाइसी कंटेंट इतना कैलिबर रखता है कि 1000 करोड़ का फ्रीकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ इंडिया में कर ले। बट अभी 440 करोड़ का झटका देने वाली बात यह है कि जवान मूवी के अंदर टेरर तरीके से रॉकी भाई की एंट्री हो चुकी है। बिजनेस करेंगे Ready. अब देखो मुद्दे की बात ऐसी है कि इस चीज के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के आ रहे हैं। जवान मूवी के अंदर रॉकिंग स्टार यश का डेडली कोलैबोरेशन होने वाला है। अब वो कैसे, क्यों और कौन से लॉजिक के साथ होने वाला है, सच कहूँ तो इस चीज का मुझे दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं। बट चटपटे नॉटी गर्मा गर्म रूमर्स की माने तो जवान के मेकर्स और रॉकिंग स्टार यश मिलके एक ऐसी स्पाइसी दम बिरयानी बना रहे हैं जो प्रोबेबली सदर्न रीजन में जवान मूवी को बम्पर रिस्पॉन्स और एपिक कलेक्शन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि इनसाइड स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि हिंदी वर्जन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लैंग्वेजेस में इस मूवी को डब किया जा रहा है वहाँ पर जवान मूवी को प्राउडली अपने स्टेट में प्रेजेंट करते हुए डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग सुपरस्टार अपने नेटिव लैंग्वेजेस में सुपर कड़क वॉइस में जवान की स्टोरी को मूवी के अंदर नरेट कर सकते हैं। इससे क्योटिक फायदा ये होगा कि सदर्न रीजन में वहाँ की ऑडियंस अल्टीमेट वे में इस मूवी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। और तुम घुमा फिरा के फिर से ये सोच रहे होंगे कि यश का इस मूवी के साथ क्या कनेक्शन है, तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज की 69% की पॉसिबिलिटी है कि जवान मूवी के कन्नड़ा वर्जन के अंदर रॉकिंग स्टार यश अपनी वॉइस शाहरुख खान के जवान के कैरेक्टर को दे सकता है। अब इस दिल को चटके देने वाले रूमर्स के अंदर अगर 1% की भी सच्चाई है तब तो लिटरली मैं डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता सदर्न रीजन में किस लेवल का बॉम्ब ब्लास्टिक रिस्पॉन्स मिलेगा जवान मूवी को। आई मीन जिस हिंदी मूवीज को सदर्न रीजन के अंदर 2% का भी भाव नहीं मिलता था, इवन ना के बराबर हिंदी मूवीज साउथ में बिजनेस करते थे, वही रॉकिंग स्टार यश थलपति विजय और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े नाम जवान से जुड़ने भर से ही जवान मूवी डबल डिजिट के साथ ओपन होगी हर स्टेट में। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि डब तो दूर की बात है, मूवी के अंदर ऐसे ऐसे धमाकेदार पैसा वसूल कैमियोस हमें देखने को मिलेंगे जो पॉप कल्चर की हिस्ट्री में बना सबसे पावरफुल कैमियो होगा। क्योंकि ऑलरेडी फैंस थलपति विजय और शाहरुख खान को एक फ्रेम में देखने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल से आंखें फाड़ते हुए वेट कर रहे हैं। और अब तो मूवी के अंदर रॉकिंग स्टार यश का भी नाम जुड़ चुका है, तो इस चीज से तुम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि आज की डेट में जवान मूवी का किस लेवल का हाइप होगा। और मूवी के रिलीज के सामने जैसे जैसे मूवी के ट्रम्प कार्ड्स आउट होते जा रहे हैं लिटरली ऑडियंस की दीवानगी जवान मूवी को लेकर डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे ही चलता रहा तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये मूवी अपने ओपनिंग डे पे ही सारे रिकॉर्ड्स को कच्चा चबाते हुए एक स्मैश सेंचुरी मारेगी बॉक्स ऑफिस पर। और सबसे इंसेन लेवल की बात क्या है पता है, जहाँ पर हम जैसे फैंस मूवी लवर जवान वर्सेस सलार का रबड़ी रोना रोते हुए एक मेक को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खुद को अपग्रेड करते हुए बॉम्ब ब्लास्टिक अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन करते हुए फैंस को ट्रू फैन सर्विस देते हुए होश उड़ाने का काम कर रही है। और शाहरुख खान की जवान मूवी उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब ये चटपटे रूमर सच होंगे या नहीं होंगे ये ट्रेलर नहीं बल्कि मूवी देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। बट लिटरली 1% के चांसेस के साथ ही रॉकिंग स्टार यश थलपति विजय जवान के अंदर तोड़ू एंट्री मारते हैं तो तब जवान ये मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे आइकॉनिक मूवी बन जाएगी। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। Offer closes soon.